हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के फायर सेफ्टी अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे कि कहां पर यह वैकेंसी आई हुई है, प्लेसमेंट कहां पर होगा, कहां पर जाना होगा, कौन सा आपको फॉर्म भरना होगा, क्या योग्यता इसके अंदर रखी गई है, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की फायर से संबंधित और जो टेक्निकल से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती है, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर हुआ या प्राइवेट सेक्टर हुआ, यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो एक वैकेंसी आई हुई है, प्लेसमेंट कैंप लग रहा है आपका, प्लेसमेंट कैंप ये लग रहा है जयपुर के अंदर, ये लग रहा है जयपुर के अंदर। अब साथियों, इसके अंदर क्या योग्यता रखी गई है तो मैं आपको बता दूं, ये लग रहा है जयपुर के अंदर कौन सी जगह पर, तो ये लग रहा है गुरुकुल औद्योगिक जो प्रशिक्षण है संस्थान है, मंगलमय सिटी कालावाड़ रोड जयपुर। तो आप दोबारा और सुन लीजिए इसको, गुरुकुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंगलम सिटी कालवाड़ रोड जयपुर, यहाँ पर ये जो कैंप है ये यहाँ पर लग रहा है। अब इसके अंदर कि भाग लेने के लिए आपको इसके अंदर एक फॉर्म है, वो आपको अप्लाई करना होगा। फॉरम की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और साथियों, और इसके योग्यता के बारे में सुन लीजिए आप, इसके अंदर जो वेतन है आपका, वो कितना दिया जाएगा आपको, इसके अंदर दिया जाएगा 15,000 रुपये प्रति माह है, 15,000 रुपये प्रति माह है आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। लिमिटेड कंपनी के अंदर ये वैकेंसी है, प्लेसमेंट के थ्रू आपको लिमिटेड कंपनी के अंदर ले जाएंगे। प्लेसमेंट है ये कितनी तारीख को होगा, इससे पहले हम देख लेते हैं जो डेट एज है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आयु है आपकी, जो आयु है वो कितनी क्या होनी चाहिए। तो आयु इसके अंदर बोल रखा है कि 18 से 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ये इसके अंदर बोल रखा है। लिमिटेड कंपनी के अंदर है ये, मैंने आपको बता ही दिया। प्लेसमेंट है ये हो रहा है 23 तारीख, मैंने आपको कल बताया था कि एक फायर की वैकेंसी आई हुई है, आज बताऊंगा, लेकिन साथियों ये 23 तारीख को ये प्लेसमेंट होने वाला है, ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि कल इसकी वैकेंसी जो डेट है, लास्ट डेट है, वो निकल जाएगी, इसलिए आज आप इसका फॉर्म अप्लाई कर देना, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। वैकेंसी तो उसकी तो डेट आगे भी है, तो उसकी तो बाद में चर्चा कर लेंगे, कल चर्चा कर लेंगे, तो साथी ये बताना आपको ज़रूरी था क्योंकि बहुत से साथी ये बोल रहे थे कि सर प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारी जॉब बताओ, क्योंकि ITI वाले बोल रहे थे और जिसने फायर वाला डिप्लोमा कर रखा है वो भी बोल रहे थे। तो बस जिसकी भी वैकेंसी आती है मैं आपको यहाँ पर तुरंत अपडेट बताता हूँ आपको, मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने आपको बताना उचित समझा। तो साथियों, अब देख लेते हैं इसके अंदर जो प्लेसमेंट होगा वो 23 तारीख को, जो आपका प्लेसमेंट होने वाला है वो 23 मार्च को आपका प्लेसमेंट होने वाला है।
ये आपको जानकारी में कितने क्या बजे होगा उन सभी के बारे में जानकारी आपको, जितने भी कुछ आगे की जो प्रोसेस है, आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे उस फॉर्म के अंदर अपलोड यानी कि फॉर्म भरने के बाद में आपको वहाँ से जानकारी दे देंगे। लेकिन साथियों आपको 10 बजे के आसपास तो पहुँच जाना ही है, अगर साइट सर्वर वगैरह भी बिजी चल जाए, लोड पड़ जाए, क्योंकि लास्ट वाला दिन है, लोड वगैरह पड़ जाए तो आपको सूचित ना करें, तो आपको 10 बजे के आसपास तो पहुंच ही जाना है। अब देख लीजिए साथियों इसके अंदर जो योग्यता है, योग्यता भी देख लेते हैं, कि इसके अंदर जो ITI है, क्योंकि ये जॉब है ITI वालों बंदों के लिए है, जो ITI इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है, वे बंदे इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ये जॉब है। कुछ दिन पहले मैंने फायर वालों के लिए भी बताया था कि भाई फायर वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि प्लेसमेंट के ऊपर जा सकते हैं। तो ITI वाले भी बोल रहे थे कि सर हमारे लिए भी कुछ एक जॉब बताओ, तो साथियों आपके लिए भी मैंने आते ही जॉब आते ही मैंने आपको बताया है। तो जिसने भी ट्रेड ITI जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कर रखा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नोट लगाकर एक लिख लेना आप, यहाँ पर नोट लगाकर लिख लेना, नोट लगाकर लिख लेना कि यह आवेदन, यह आवेदन केवल यह आवेदन केवल राजस्थान वाले बंदे ही कर सकते हैं। यहाँ पर जो आवेदन है वो यहाँ पर ओनली फॉर राजस्थान वाले कर सकते हैं, कोई अदर स्टेट से है, हरियाणा, UP, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी आएगी तो बहुत जल्द बताऊंगा, आपके स्टेट वगैरह में या और किसी भी स्टेट में आएगी तो बहुत जल्द बताऊंगा। लेकिन जो ये वैकेंसी है ये ओनली इसके अंदर दे रखा है कि इसके अंदर ओनली राजस्थान वाले बंदे ही भर सकते हैं। तो ये कुछ आज की इम्पोर्टेंट बातें थी, आपको शायद समझ में आया होगा, क्योंकि साथियों ये चीज़ भी आपको बताना ज़रूरी था। अपने चैनल से जो जितने भी ITI वाले बंदे भी जुड़ रहे हैं, फायर वाले बंदे भी जुड़ रहे हैं, तो सभी को साथ लेकर चलना मेरा दायित्व है। क्योंकि अगर फायर के अंदर वैकेंसी आती है, क्योंकि फायर के अंदर वैकेंसी आती है तो मैं उसके बारे में भी तुरंत बताता हूँ आपको। अभी ITI के अंदर एक वैकेंसी आई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। तो फॉर्म आप सबमिट कर देना, फॉर्म की जो लिंक है आपको कहाँ पर जाकर करना है, तो साइट की जो लिंक है मैं डायरेक्ट आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आप जो फॉर्म सबमिट करना है उसके ऊपर पहुँच जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा बोल रखा है हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, फ्री में ये जॉब है। आप वहाँ तक पहुँचो कोले तक, उससे पहले अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है तो पैसे आप ना दें, किसी भी प्रकार का कोई पैसा ना दें। कॉलेज ने बोल रखा है कि आपके लिए फ्री में जॉब है। और साथियों दोबारा और सुन लीजिए आप, कहाँ पर क्या ये प्लेसमेंट है, गुरुकुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मंगलम सिटी और कालवाड़ रोड जयपुर के अंदर है, वहाँ पर ये लोकेशन है। क्या क्या इसकी जॉब लोकेशन रहेगी वो आपको वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप इसके अंदर अगर योग्यता रखते हैं, आप कोई
यानी कि आप इसके लिए योग्य हैं तो आप इसको भर देना फॉर्म को, और वहाँ पर जो टाइम से पहुँच जाना। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है ये, क्योंकि 23 तारीख को ये आपका प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट कैंप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके साथी जो जुड़ रहे हैं चैनल से, जुड़ रखे हैं, वो भी जॉब के लिए अप्लाई करें। तो साथियों, फिर बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, नई खुशखबरी के साथ। आज की इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।